किसी भी थाने में चले जाओ, यदि पीठ पर लाठी पड़ रही है तोमेम के, पैर जेब कट रही है तोमेम की, ऐसे पटाखा से फोड़ आवा लोग कौन कौन लोग रुतार बोल रहे हैं। इसका सबसे पहले एक बात होगा, कौन बोल लोग बता रुतार बोल रहे हैं। कामा देख लीजिए चाहे नगर देख लीजिए, मैं विशेषकर चर्चा करूंगा मेरे मेव समुदाय के भाइयों से। नगर में चार थाने, एक खोर, एक नगर, सीकरी और आधो सौ थोड़ा जाए। आपके बीच में आया हूं तो राजनीतिक चर्चा करूं। हम लोग जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो वार्ड पंच चुने, चाहे सरपंच चुने, चाहे जिला परिषद सदस्य चुने, हमारे सुमरन भाई कहां गए, सुमरन फौजी जी, चाहे विधायक चुने और चाहे सांसद चुने, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अपने अपने सदनों में बैठकर हमारे विकास की योजनाएं तैयार करें। उसके अलावा हम अपेक्षा करते हैं कि थाने में, तहसील में ईमानदारी का आलम हो। हमारे लोग यदि जाए तो उनको लूटा खसोटा नहीं जाए, उनके साथ न्याय हो। मैं पिछला चुनाव कावा विधानसभा से चुनाव लड़ा, रहने वाला नगर का हूं। पार्टी ने कहा आप कावा जाइए, मैंने संकल्प लिया कि ब्रज भूमि है, जहां पार्टी आदेश दे देगी वहीं के ब्रजवासियों के चरणों की धूल को माथे से लगाकर सेवा का संकल्प लेके काम करूंगा। चाहे कावा देख लीजिए चाहे नगर देख लीजिए, मैं विशेषकर चर्चा करूंगा मेरे मेव समुदाय के भाइयों से। यहां स्थिति होनी चाहिए थी कि हमारा जो मेव समुदाय का व्यक्ति है वो जब जब कांग्रेस का राज आता है तब तक थाने तहसीलों में लुटता है, उस लूट को बंद कराया जाना चाहिए था। आप बताइए, कामा में 5 थाने हैं, नगर में 4 थाने, एक खोर, एक नगर, सीकरी और आधो सौ थोड़ा जाए, किसी भी थाने में चले जाओ, यदि पीठ पर लाठी पड़ रही है तोमेम के, पैर जेब कट रही है तोमेम की, क्या फायदा हुआ भाई आप लोगों का? हाँ, कोई 2 नंबर का काम करे, अन्याय करे, वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ यदि पुलिस कार्रवाई करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इज्जतदार लोग, आम व्यक्ति, उसको यदि लूटा जा रहा है तो कामा और नगर विधानसभा क्षेत्र में लूटा जा रहा है। यह विचारणीय विषय है। चुनाव आता है तो लोग भावनाओं में भड़काते हैं और भावनाओं में भड़का करके वोट को ले जाते हैं, लेकिन वो वोट की कीमत नहीं समझते कि व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो अपनी 1000 इच्छाओं का दमन करता है। जब बटन दबाने की नौबत आती है तो मन कभी किधर करता है कभी किधर करता है, लेकिन 1000 इच्छाओं का दमन करके वो मोहर लगाता है और हमको सदन में पहुंचाने का काम करता है। तो हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि नगर थाने पे जाओगे तो फलाना दलाल मिलेगा, सीकरी पे जाओगे तो फलाना दलाल मिलेगा, खो पे जाओगे तो फलाना दलाल मिलेगा, गोपालगढ़ जाओगे तो तीसरा मिलेगा, पहाड़ी जाओगे तो चौथा मिलेगा। आखिर इन लोगों ने अपने घर वालों को थाने बांटकर आपका खून चूसने का काम कर रखा। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। जनप्रतिनिधि को स्वच्छ प्रशासन देने की कसम खाई जाती है, उसको पूरा करना चाहिए। हमारे सब लोग बैठे, हम सीने तान के कहते हैं कि कावा में 72,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, उसके अलावा जो लोग भी नहीं दे पाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता है वो आपके भाई बेटे को फोन कर देता है तो मजा ना किसी आदमी की जो उंगली कर जाए उसकी। लेकिन ये सत्ता में बैठे लोग, पता नहीं इनको क्या हो गया, इन लोगों ने एक
इलाके के विकास की और भाईचारे शांति की स्थापना की चर्चा नहीं करते। भाई अरशद भी चुनाव लड़ा, किसी भी दल से लड़ा, चुनाव लड़ लिया, देख लिया और क्या होता है। बसपा में तो टिकट भी जब मिले जब पहले चोर नहीं चढ़ा, क्यों मैं गलत तो ना कह रहा, इससे नहीं पूछेंगे आप। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की पहचान होती है। सबका साथ सबका विकास का नारा जैसा इन लोगों ने बताया कि भाई ये अच्छी सड़क यदि भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनती है तो उस पर क्या हिंदू हिंदू चलता है, क्या सारी दुनिया चलती है। आज आप और हम कुतकपुर गांव में बैठे, हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारा भला कहां है। हमको निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर हमारा विकास किस रास्ते से हो सकता है। हमको निर्णय करना पड़ेगा कि जो लोग हमको जातिवाद की भावना में बह करके हमको लूटने का काम करते हैं उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए आपको चौपालों पर बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है आपसे, मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा फजरू भाई बहुत पहले से जाना। ये हिंगोटा के लोग बैठे, दो पंचायत का चुनाव लड़ा, तो पूछिए इन लोगों से, जो लोग दो पंचायत के चुनाव में मेरे विरोध में लाठी लेके खड़े थे, मैं जब 13 पंचायत का चुनाव लड़ा तो वही लोग अपने खर्चे पे गाड़ी करके मेरे साथ खड़े हुए थे। आखिर भाईचारा है, परिवार है, आपस में रहते हैं। हमारी आपकी शाम अलग नहीं, हम सब एकजुट होकर के अपने क्षेत्र के विकास की परिकल्पना अप्लाई कर सकते हैं। अब कई लोग मेरे से रास्ते में चर्चा कर रहे थे, मैं नगर में रुक गया था, कहां जा रहे हो मेरे को तत्पुर। तो जब मैं नगर की तरफ गाड़ी करता हूं तो लोगों के मन में विचार आता है, तो दो तीन लोग बस स्टैंड पर कहने लगे कि साहब नगर से चुनाव लड़ोगे क्या। मैंने कहा यार अपना इलाका है, कुतकपुर में हम जा रहे हैं, ब्याह में जा सके, शादी में जा सके, राजनीतिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, दूसरे काम में जा सकते हैं। चुनाव तो मैं कामा से लड़ा था पिछली बार, और अब की बार पार्टी कहीं से आदेश कर दे वहां से लड़ लेंगे, और नहीं करेगी तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोगों के बीच में रहकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ेंगे, चाहे नगर की हो चाहे कामा। इसलिए आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों को साधुवाद और अरशद भाई को शुभकामनाएं कि भाई एक बार जब बीजेपी में आए हैं ना तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन समस्याओं का मुकाबला करना, जो चट्टान से जो व्यक्ति लड़ता है ना वही चट्टान होता है। समस्याओं से लड़ाई लड़ने का वास्ता रखिए। आप तो आदेश कर देना, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करिए। जवाहर सिंह बेनामी नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे।